हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड एंड एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ दोज एटम्स। दैट मीन्स I have written some examples. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल है बेंजीन C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका मतलब हुआ कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं। लेकिन इसका अगर रेशियो निकाले हम लोग तो एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन, दैट इज द रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1:1। हेंस द एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी CH। इसी तरह से इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O2। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3O। उसी तरह से और भी हमने कुछ एग्जांपल लिखा और एक एग्जांपल आपके लिए छोड़ दिया गया है ताकि आप कमेंट बॉक्स में इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सके। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको एटॉमिक मास याद रखना पड़ता है, यहां हम लिख चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट पक्का ले लीजिएगा और बाद में इसको देखिएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 1 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 16 है। इसी तरह से नाइट्रोजन और क्लोरीन का भी है। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिखे हैं पहले से ही, C6H12O6 व्हिच इज अ ग्लूकोज। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 और कार्बन का यहाँ नंबर है 6, तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और हाइड्रोजन यहाँ पे है 12, तो 1 × 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और ऑक्सीजन यहाँ 6 है, दैट मींस 16 × 6। कार्बन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और इन सबों को मल्टीप्लाई करते जाना है विद द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये आपका कैलकुलेट करके ग्लूकोज के लिए आया है 180 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल इज अ यूनिट ऑफ मोलर मास। ओके, अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। एक कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का परसेंटेज दिया हुआ है, उसका मोलर मास दिया हुआ है और आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस कंपाउंड का आइडेंटिफाई करना है। एक चीज और मैं यहाँ बता दूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये एन कैसे निकालते हैं हम लोग, तो एन निकालने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपने लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाले हम लोग तो उसी तरह से किसी भी आप एक एग्जाम्पल को देख लीजिए। जैसे यहाँ सी एच है तो कार्बन का एटोमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटोमिक मास 1, तो 12 प्लस 1 तो 13। CH3O है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 × 3 और प्लस ऑक्सीजन का 16, ये ऐड करके आएगा 31। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को अगर आप डिवाइड दे देते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से तो वो आपको एक फैक्टर देता है n। ये जो रिलेशन लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो ये n उस तरह से निकलता है जो अभी न्यूमेरिकल में यूज होता है। तो पहले तो जो आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है वो परसेंट लिख लेते हैं, कार्बन का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, जिसका भी दिया हुआ है परसेंटेज। उसके बाद उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, मोल्स अगला टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझिए जो इसका परसेंटेज है ना उसको उसका एटॉमिक मास से डिवाइड दे देते हैं। जैसे कार्बन का परसेंटेज है 24.27, तो इसको हम लोग डिवाइड दे देंगे इसका एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन का दिया हुआ है 4.07, इसका एटॉमिक मास से इसको डिवाइड देंगे। क्लोरीन का 71.65, एटॉमिक मास से डिवाइड देंगे। एटॉमिक मास से डिवाइड देने के बाद कुछ कुछ आएगा, जैसे यहाँ 2.02 है, 4.07 है, 2.01 है। उसके बाद उसका रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। उसके लिए आपका जो यहाँ रिजल्ट आया है उसको सामने लिख के जो सबसे छोटा है, ध्यान दीजिए जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड देना है। उससे डिवाइड देने के बाद जो भी डिजिट आएगा, जो भी डिजिट आएगा वो हो गया सिंपलेस्ट होल नंबर। जैसे यहाँ सॉल्व किया हुआ है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके देखिएगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। और ये होल नंबर ही आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है। कार्बन का 1,
हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 1। अब जैसे यहाँ मोलर मास निकालना बताया है या एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना बताया है, उसी तरह से यहाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला मास अब CH2Cl का निकालते हैं, तो C का 12, H का 1 इंटू 2, अब क्लोरीन का 35.5, ये ऐड करेंगे तो आ गया 49.5। अब क्वेश्चन में आपको मोलर मास पहले से दिया हुआ है, तो n कैसे निकालेंगे, अभी जो बताए थे n कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये डिवाइड करके हम लोग का देखेंगे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 98.96, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम लोग यहाँ निकाले हैं 49.5, तो वो जो बता रहे थे उधर हम, एक फैक्टर n आता है, वो n हम लोग निकालिए 2। नाउ कंसीडर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, और हम लोग का n आया है 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है CH2Cl, तो 2 से इनटू कर देंगे तो आ जाएगा क्या C2H4Cl2। This is the molecular formula of the given compound. इसी तरह का numericals आता है। आप NCERT का exercise का 1.3, 1.8 और 1.34, ये exercise का है, NCERT का class 11 का first chapter, exercise का 1.3, 1.8, 1.34 आप बनाइए, उसको solve कीजिए और comment box में या मेरे WhatsApp number पे आप उसको message कीजिए। इससे related कोई भी problem हो, कोई भी topic हो या कोई भी क्वेश्चन ना बन रहा हो, तो आप इस पे हमको मैसेज कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए और घर बैठे पढ़िए। अगला टॉपिक हम लोग मोल कॉन्सेप्ट करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। चलिए बाय।